एंड वेलकम बैक टू माई चैनल माई वे. सो इफ यू वंडरिंग मैं आज कहाँ से जाग गई, लाइक व्लॉग कहाँ से जाग गया. सो इन माई प्रीवियस व्लॉग, दैट्स वॉज माई नोज पियर्सिंग गॉन रॉन्ग व्लॉग, आई प्रोमिस्ड यू गाइज जब मैं नेक्स्ट टाइम पियर्सिंग कराऊंगी आई विल गोना व्लॉग इट टू. सो येस, होपफुली आज मैं पियर्सिंग करा रही हूँ. सो वाई होपफुली मैं आपको बाद में बताती हूँ. सो राइट नाउ मैंने अपना वर्कआउट कर लिया है, इट्स अबाउट 9 AM इन द मॉर्निंग. सो आई एम गोना हैव द फर्स्ट ड्रिंक दैट आई हैव अदर देन वाटर. सो रोज सुबह आजकल मैंने एक रूटीन बनाई है कि मैं रोज सुबह पानी पीने के बाद, लाइक वर्कआउट के बाद, जनरली तो मुझे वर्कआउट से पहले पीनी चाहिए बट वर्कआउट के बाद मैं एक ड्रिंक बनाती हूँ आजकल अपने लिए. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट ड्रिंक विद यू गाइज. If you're interested in this vlog, then please keep on watching. But before that, don't forget to like, share, and comment, and also subscribe to my channel. Hit that bell icon. Now, without further ado, let's get started with the video. So let's go and have the first drink. ये है beetroot and carrot, and इसमें हम थोड़ा सा add करेंगे spinach. बहुत थोड़ा सा. I've also added some water ताकि अच्छे से blend हो जाए. सो या आई एम गोना ब्लेंडेड, में कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट कुछ नहीं डालती इसमें. एंड दिस इज माय जूस. सो यप, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई लाइक टू हैव एवरी सिंगल मॉर्निंग. एंड टू बी ऑनेस्ट अभी सिर्फ 4 दिन ही हुए इसे करते हुए. So I just took a bath and I am back. So I'm just gonna do my skincare. So this is the vitamin C toner. I only rely on this toner in the morning. Next I'm gonna use this Beauty Co Turkish Orange Oil. This is their vitamin C serum. I like the serum more than the Godal serum. So I just switched to this one. I like to warm it up, then pat it on my face. शो यू द रूटीन जो मैं हर रोज शेयर करती हूँ, रोज करती हूँ. नेक्स्ट आई एम गोना टेक दिस कडली स्किन अंडर आई जेल. दिस इज देयर ककुम्बर जेल. सो जस्ट अंडर माई आईज, वो हल्के हल्के डार्क सर्कल्स है. मॉइस्चराइजर आई लाइक टू यूज दिस हिमालय नरिशिंग क्रीम. दिस इज वेरी मॉइस्चराइजिंग. सो विंटर्स में यहाँ तो बहुत ठंड होती है. I need this. Rub it and again just pat. मैं कोई भी प्रोडक्ट को रब नहीं करती, मैं सबको बस पैट करती हूँ. लास्ट स्टेप, आई लाइक टू यूज अ सनस्क्रीन. सो बेशक मैं घर पे हूँ बट सनस्क्रीन इज अ मस्ट. तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी लेती हूँ, उसको भी रब करती हूँ एंड अगेन जस्ट पैट इट. फॉर लिप्स आई ऑलवेज यूज एनी रैंडम लिप बाम. क्योंकि उठने का कष्ट तो मैं करूंगी नहीं. आउच लगी. आई एम गोना यूज दिस लिप बाम. नाउ आई एम गोना गो एंड हैव माय ब्रेकफास्ट. सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना ईट. सो राइट नाउ इट्स लाइक अबाउट टू बी 11 o'clock एंड बेसिकली आज से मेरे एग्जाम्स की वो तांडव शुरू होने वाला है. बिकॉज आज मेरी प्रेजेंटेशन है, देन कल मेरा एग्जाम है, मंडे से फिर मेरे एग्जाम्स है. सो यप, एंड आई नो मैं इन दिनों कुछ कम फिल्म कर पाऊँगी बट या ऑल्सो मैंने अभी सिर्फ एग वाइट्स का ऑमलेट खाया है एंड उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, जस्ट एग वाइट्स एंड फ्यू वेजीज एंड पिट ऑफ कोकोनट ऑयल एंड दैट्स इट. और साथ में थोड़ी सी मैं चटनी ले लेती हूँ बिकॉज ऐसे बहुत वो टेस्टलेस लगता है. प्लस आई एम हैविंग माई टी, क्लियरली नीड हेल्प. I don't know how I'm gonna stop this tea craving. Maybe it's because of the weather. मुझे winters बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल tolerate नहीं होती मेरे से. So yeah, अभी मैं अपनी presentation पे थोड़ा सा work करूँगी because थोड़ी सी preparation करनी है मुझे. So I'm gonna do that and ऐसे कुछ exciting मेरे life में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है. So जो भी boring चीज़ें हैं मेरी life की, मैं आज वही करूँगी. यहाँ पर आप मार्क देख रहे हो, मैं इस पर डेली कोकोनट ऑयल लगा रही हूँ. होपफुली ये चला जाएगा, नहीं भी जाए तो भी मैं पियर्सिंग तो करवा ही रही हूँ अब. सो नेवर माइंड. सो यार
राइट नाउ आई पीऊंगी प्लस आई एम गोना वर्क ऑन माय प्रेजेंटेशन. सो सी यू. सो राइट नाउ इट्स 5:37 इन द इवनिंग. बेसिकली क्या हुआ, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन एंड देन मेरी प्रेजेंटेशन 2:00 थी. देन मैं वॉक के लिए चले गई एंड राइट नाउ आई एम बैक फ्रॉम माई वॉक. सो या एंड माई प्रेजेंटेशन वेंट रियली गुड, सब अच्छे से हो गया. या एंड फॉर द पियर्सिंग अपडेट, अभी तक यही है कि मैं रात को मोस्ट प्रोबेबली जाऊँ पियर्सिंग के लिए. आई एम गोना गो एंड लेट्स होप कि पियर्सिंग आज हो जाए. सो गाइज, आई गॉट माई नोज पियर्स्ड एंड दिस टाइम इट्स परफेक्ट. आई नो द पिन इज टू बिग बट या ये सिर्फ 10 days के लिए है बिकॉज ये वन शॉट है. सो ये 10 days के लिए ही है. मैं बहुत गंदी लग रही हूँ लिटरली. सो आई एम सो सॉरी, मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही बिकॉज आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं करना था अगर मैं नॉर्मली पियर्सिंग कराती. बट मैंने लास्ट व्लॉग में कॉमेंट्स पढ़े थे एंड यू गाइज वर सो स्वीट. एंड आप सब मुझे कह रहे थे कि जब आप नेक्स्ट टाइम व्लॉग करो आप वेट करोगे मेरे व्लॉग का. सो दैट्स वाई मैंने इसको व्लॉग करा. आई नो आई डिडंट डिड इट वेल बट मैं अब से बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊंगी. आई प्रोमिस यू कैन डेफिनेटली लीव द सजेशंस कि मैं क्या क्या करूँ उस दिन बिकॉज ऐसे मेरी रूटीन बहुत नॉर्मल है. मैं घर पे ही होती हूँ, या फिल्म कर रही होती हूँ, या पढ़ रही होती हूँ, या क्लासेस लगा रही होती हूँ. सो या सो प्रीटी मच दैट्स इट. अभी तो मुझे कोई पेन नहीं है. सो अब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है. मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीऊँगी एंड देन कॉफ़ी पी कर मैं आप लोगों से बात करूँगी. यानी कितना गंदा है. इट्स 10:44. सो 12 बजे तक मैं सो जाती हूँ. सो अभी मेरी कुछ खास रूटीन नहीं है. आई जनरली जस्ट सेट, कभी कभी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, कभी कभी गाने सुनती हूँ, कभी कभी यूट्यूब लाती हूँ, रैंडम चीज़ें. दिस नोज पिन इज बॉदरिंग मी सो मच, सो मच. बट जस्ट कुछ देख लिया. मुझे बिल्कुल पेन नहीं है, यू कैन सी. मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. ऑब्वियसली जब मैं पिन चेंज करूँगी आई विल गोना अपलोड अ पिक ऑन माई यूट्यूब एज वेल एज ऑन माई इंस्टा सो दैट आप लोग भी जाकर देख सको. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज दिस पथेटिक फेस राइट नाउ बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ. आज मैं वॉक भी की, सुबह वर्कआउट भी किया एंड ऐसे भी ज़्यादा बैठी नहीं आज मैं. सो प्रिटी मच दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. More thing, I am so happy with all the love you guys give me because I feel very much blessed कि इतने ज़्यादा लोग मुझे appreciate करते हैं, मेरी videos को पसंद करते हैं. And मेरे last vlog के बाद मुझे इतने ज़्यादा messages आए हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे friends में भी पूछा है, मेरे normally भी सबने मुझसे पूछा है, तो आप लोगों ने भी पूछा है. So that's so sweet of you guys. I'm very much blessed and I'm very much happy. And if you guys want more vlogs, I will be gonna make more. I will definitely gonna make sure ki better ho is wale vlog se to please. So I look really bad right now, but this is me. This is me. Yeah, that's all for today. I hope guys enjoyed it. So stay tuned for the next video. Till then, bye.